तारक मेहता। जी हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो है जो कि लगातार सुर्खियों में बना रहा है और काफ़ी टाइम से, जी हाँ काफ़ी टाइम से ऑन एयर है और ऐसे ही टीआरपी लाता रहता है, अपने फैंस को एंटरटेन करता रहता है। जी हाँ, यहाँ पर बात करें अगर मुख्य किरदार के बारे में तो दिलीप जोशी और दिशा वकानी आपको यहाँ लीड कैरेक्टर में नज़र आते होंगे। जी हाँ, जहाँ पर दया और जेठालाल का किरदार निभाते हुए नज़र आए हैं और दोनों की जोड़ी ने कमाल धमाल मचाया इस शो में। वहीं बात करें दिशा वकानी ने 2017 में इस शो से ब्रेक ले लिया था, जिस तरह से आप लोग जानते होंगे दया बेन अपनी प्यारे से बेबी की, जी हाँ रियल लाइफ में वो अपने बेबी की देखभाल कर रही थी, यही वजह है कि उन्होंने शो में वापसी नहीं की। लेकिन बता दें आपको, अब उनका बेबी हो चुका है 3 साल का, लेकिन अभी भी उनके कमबैक को लेकर कोई भी खबर सामने नहीं आई है। वहीं बात करें, कई बार बातें आ रही थी, कई बार खबरें आ रही थी कि वापसी को लेकर खबरें आ रही थी कि आने वाली है दिशा वकानी एक बार फिर से दया बेन के किरदार में वापस। तो वहीं बात करें, बात नहीं बन पाई, यही वजह है कि दिशा वकानी ने फाइनली इस शो को अलविदा कह दिया है। जी हाँ, खबरों की माने तो आपको बता दें अब दया बेन शो में नजर नहीं आएगी, यही वजह है। आसिन मोदी नई दया बेन की तलाश भी कर रहे थे और कई बार ऑडिशंस भी लिए गए पर बात नहीं बनी है। देखने वाली बात होगी क्या कोई दया बेन के कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकता है, यानी कोई दिशा वकानी की तरह दया बेन का किरदार निभा सकता है। वाकई में ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है और बहुत ही बड़ा फैसला भी होगा मेकर्स के लिए जब भी वो दया भाभी के कैरेक्टर को रिप्लेस करना चाहेंगे। अगर दया भाभी का कैरेक्टर क्लोज कर दिया जाए, वो नज़र ना आए, तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर दया बहन के कैरेक्टर को रिप्लेस किया जाता है तो ये बहुत ही बड़ा फैसला होगा। क्या फैंस, क्या ऑडियंस उन्हें एक्सेप्ट कर पाएगी? वही बात करें दिशा वकानी का शो में वापस ना आना, ये तारक मेहता के शो के टीआरपी पर भी बहुत ही बड़ा प्रभाव डालेगा। जो भी होगा देखना आगे वाले वक्त में होगा। वैसे कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप नई दया बहन के लिए, ज़रूर बताना कमेंट के जरिए कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।